फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो द ट्रिब्यून द्वारा एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है जहां हमारे रक्षा मंत्री से इंटरव्यू के दौरान इंडिया के नेक्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में पूछा गया, जिस पर उनके द्वारा ये कहा गया कि बहुत जल्दी इंडिया के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम चालू हो जाएगा और हम यहीं पर नहीं रुकेंगे बल्कि आगे 5-6 और एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाएंगे। तो इस स्टेटमेंट के बाद डिबेट चालू हो गई। कई लोग इसका मजाक भी बना रहे थे, मेनली चाइनीज मिनियंस थे जिनका ये मानना था कि ये पॉसिबल नहीं है। खैर, हम लोगों के लिए भी ये सरप्राइज था क्योंकि हम इसके बाद खाली एक और एयरक्राफ्ट कैरियर ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिसके बारे में हमने कई बार चर्चा करी है। जब 5-6 कैरियर की बात आती है तो ये सरप्राइजिंग भी है और हमारे लॉन्ग टर्म प्लान को दिखा रहा है। तो डेफिनेटली ये 6 कैरियर आपको आने वाले 1-2 दशक में तो नहीं दिखाई देंगे। इवन ये जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनना चालू होगा, इसको सर्विस इंडक्ट होने में कम से कम 1 दशक का समय लग जाएगा। तो ये जो 6 एयरक्राफ्ट कैरियर वाली बात हो रही है, ये कम से कम 30-50 साल का प्लान है। और अगर आप इकोनॉमी प्रोजेक्शन को देखेंगे तो इंडियन इकोनॉमी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी और पूरी तरीके से कैपेबल होगी इस एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रोग्राम को फंड करने के लिए। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है और अगर हमें मिलिट्री सुपर पावर बनना है तो इस डायरेक्शन में हमें काम करना ही चाहिए। तो ये बिल्कुल लॉजिकल नज़र आता है, पर ये काम काफ़ी बड़े स्केल का होगा क्योंकि आप खाली एयरक्राफ्ट कैरियर्स नहीं बनाएंगे, आपको डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स, इवन सबमरीन्स के भी नंबर बढ़ाने होंगे, तभी इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स की इफेक्टिवनेस बनेगी। यानी कि आपकी जो शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी है उसको आपको कई फोल्ड बढ़ाना पड़ेगा। तो चाइना का भी अगर हम लॉन्ग टर्म प्लान देखें तो कम से कम 10 एयरक्राफ्ट कैरियर्स वो भी ऑपरेट करेंगे। डेफिनेटली हमें वहाँ मैच करने की जरूरत नहीं है, उनके एम्बिशन डिफरेंट है, लेकिन हमें अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर्स के सफिशियंट नंबर चाहिए होंगे। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि जिस तरीके की पावर प्रोजेक्शन एयरक्राफ्ट कैरियर इनेबल करता है वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती है जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को आपके पक्ष में लाने के लिए। US एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ ये चीज़ हमने देखी है। चाइना द्वारा फ्यूचर में यही चीज़ रेप्लिकेट करने की कोशिश करी जाएगी और इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर ये होगी कि इंडियन ओशन में किसी भी तरीके की परेशानी चाइना द्वारा ना डाली जा सके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है इंडिया के लिए भी, बाकी दुनिया के लिए भी। और चाइना जिस हिसाब से यहाँ पर डोमिनेट करना चाह रहा है, साउथ चाइना सी में जिस तरीके की हम टैक्टिक्स देख रहे हैं, वो चीज़ हम इंडियन ओशन में रिपीट होता हुआ नहीं देख सकते। तो इंडियन नेवी के पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ये जो 6 एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बात करी जा रही है, ये बिल्कुल लॉजिकल मूव है। और अगर हम इस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो हमें तीसरे के बजाय अब 4th एयरक्राफ्ट कैरियर पर बात चालू करनी चाहिए, क्योंकि 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर तो श्योरिटी है। इवन कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भी कहा जा रहा है कि वो 5-7 साल में इसे बनाने में सक्षम होंगे, क्योंकि ये INS विक्रांत पर ही बेस्ड होगा। 4th एयरक्राफ्ट कैरियर की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि INS विक्रमादित्य को भी फ्यूचर में रिटायर करना है, यानी कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के बावजूद फ्यूचर में हमारे पास 3 ही एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑपरेशनल होंगे और हमारा गोल 6 का है। बाकी जिस 4th एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी R&D में भी काफ़ी ज़्यादा समय जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में भी टाइम जाएगा, तो वहाँ पर जो डेवलपमेंट पीरियड है वो थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि मोस्ट लाइकली ये बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर कैटोबार कॉन्फ़िगरेशन में हो सकता है, जो कि हमारे लिए नई होगी। ऑपरेट करने की नहीं, बनाने की बात कर रहे हैं। बाकी इस आइडिया के बारे में भी हमने डिस्कशन किया था कि कैसे हम फ्रांस को ज्वाइन कर सकते हैं इनके नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलपमेंट में, जहाँ पर रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है और हम R&D में भी कॉस्ट सेविंग करने में सक्षम होंगे। तो अगर आप 6 कैरियर एक बार में ऑपरेट करना चाहते हैं तो आप एक एक करके डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें दशकों का समय चला जाएगा, तब तक पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर्स का रिटायरमेंट का समय आ जाएगा। तो यहाँ पर पैरेलल अप्रोच की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिसके अंतर्गत आपको एक साथ पैरेलल में एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाने पड़ेंगे, जिसके लिए अगेन एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, साथ ही साथ उस हिसाब का बजट भी होना चाहिए। तो ये डेफिनेटली चैलेंजिंग है पर इम्पॉसिबल नहीं है, साथ ही साथ क्विक डिसीजन मेकिंग भी यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी। तो हमारे हिसाब से इंडियन नेवी को 4th एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर पुश करना स्टार्ट कर देना चाहिए। बाकी ये TDBF के लिए भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि अब डेफिनेटली वहाँ पर रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो वहाँ पर एयरक्राफ्ट नेवी स्पेसिफिक होने के बावजूद ईजिली 100 के ऊपर सर्विस में इंडक्ट किए जाएंगे, जो कि उनके प्राइसेस को भी कम रखने में सक्षम होगा, साथ ही साथ पूरे प्रोजेक्ट को भी जस्टिफाई कर पाएगा,
क्योंकि अगर लिमिटेड नंबर के लिए एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को आप बना रहे हैं तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट बड़े नंबर की है तो प्राइसेस भी लो रहते हैं और इन्वेस्टमेंट भी जस्टिफाई हो पाती है क्योंकि वहाँ पर प्रॉफिट बना पाएंगे। तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, पर एक्सपेक्टेशन अभी भी ये रहेंगी कि चीज़ें ग्राउंड पर दिखाई दे ताकि इस लॉजिकल डायरेक्शन में कमिटमेंट नज़र आए। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।